हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया का अनदर नेम क्या होता है? विंड पाइप। ये एक कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है जो क्या होती है, एयर के लिए पाथ प्रोवाइड करेगी लंग्स तक जाने के लिए। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? लैरिंग से स्टार्ट होती है, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से, और कहाँ तक जाती है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाती है। फिर वहाँ पर जाके क्या हो जाती है, ये 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। ये ऑलमोस्ट क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और किसकी बनी होती है? हमने अभी भी कहा है कार्टिलेज की, तो इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग होती है, शी शेप, मतलब कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इसमें नहीं होती। कहाँ पे? पोस्टरली क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होती है, वहाँ पे उसके वॉल क्या हो जाएगी, फ्लैटेंड। और किसके बनी होती है? मसल्स की और फाइब्रस टिश्यू की। तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब ईसोफेगस से फूड पास होता है ना, तो उसके एक्सपेंशन के लिए भी तो स्पेस होना चाहिए, इसी वजह से पोस्टरली क्या होती है, एब्सेंट। द शॉर्ट पोस्टीरियर वॉल अलो एक्सपेंशन ऑफ द ईसोफेगस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड। फिर डायमेंशन की बात करते हैं, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अपर हाफ नेक के अंदर हो जाएगी, लोअर हाफ कहाँ पे हो जाएगी, सुपीरियर मीडिया स्टर्नम में। फिर डायमीटर क्या होता है कि एक्सटर्नल डायमीटर मेल्स के अंदर थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है 2 सेंटीमीटर, फीमेल्स में 1.5 सेंटीमीटर। और जो बच्चों में होते हैं ना, वो ट्रेकिया क्या हो जाता है, स्मॉल होता है और मोर डीपली होता है, और मूवेबल भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ट्रेकिया हो जाएगा, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाती है 2 ब्रोंकस में। ये थायरॉइड ग्लैंड और एक रिकॉर्ड कार्टिलेज जो क्या होती है, नेक में प्रेजेंट होता है। फिर हम सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया की बात करते हैं, तो ट्रेकिया कहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर बोर्ड ऑफ द रिकॉर्ड कार्टिलेज, मतलब नेक में ही होता है रिकॉर्ड कार्टिलेज जो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में होता है। फिर क्या हो जाएगी, ये डाउनवर्ड जाता है, और फिर क्या हो जाता है, थोड़ा बैकवर्ड होगा, लेकिन ईसोफेगस के तो हमेशा क्या होगा, फ्रंट में हो जाएगा। इन नेक में क्या हो जाता है, कंपेरेटिवली सुपरफिशियल। फिर हम रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन के लिए तुम ऐसे आइडिया लगा लो कि उसके मतलब फ्रंट में कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएंगी, ट्रेकिया के पीछे कौन सी हो जाएंगी, और दोनों साइड कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियरली बात करें, मतलब उसके आगे, तो ट्रेकिया के आगे क्या प्रेजेंट होने वाला है, स्टर्नम। तो स्टर्नम का कौन सा पार्ट प्रेजेंट हो जाएगा, मैनुब्रम। तो मैनुब्रम स्टर्नाई। अब मैनुब्रम स्टर्नाई से कौन सी मसल्स होती हैं, स्टर्नोथायरॉइड मसल्स हो जाएंगी, और स्टर्नम के नीचे क्या होता है, थाइमस। तो थाइमस भी आ जाएगा, रिमेन्स ऑफ द थाइमस। फिर वेन याद रखो, थायरॉइड ग्लैंड दोनों तरफ होती है उसके, तो एक तो कौन सी हो जाएगी, इन्फीरियर थायरॉइड वेन, और एक कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक। तो लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक एंड इन्फीरियर थायरॉइड वेन, और आर्च ऑफ एरोटा तो होता ही है, और कुछ लिम्फ नोड्स भी हो जाएंगी। ये एंटीरियरली। पोस्टियरली मतलब उसके पीछे, तो इसके पीछे एक तो ईसोफेगस होती है, और एक कौन सी हो जाएगी, वर्टिब्रल कोलम। ऑन राइट साइड, तो राइट साइड क्या हो जाएगी, राइट लंग एंड इट्स प्लूरा, राइट वेगस हो जाएगी, और एजाइगस वेन हो जाती है। और लेफ्ट साइड कौन सी हो जाती है, एक तो आर्च ऑफ एरोटा होती है, आर्च ऑफ एरोटा एक लेफ्ट साइड में भी होती है, और एंटीरियरली भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो पूरी ऐसे घूम के आर्च बना के जाती है। एक होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। फिर इसके अंदर एक स्ट्रक्चर देख लो तुम, ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, मतलब इसके रिलेशन की, ये क्या है, ट्रेकिया हो जाएगा। ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या हो जाता है, जाके ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। ये एंटीरियरली, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, आर्च ऑफ एरोटा, इसके पीछे कौन सा हो जाएगा, ईसोफेगस हो जाएगी, ये रिकॉर्ड कार्टिलेज, ये थायरॉइड ग्लैंड, और ये कौन सा हो जाएगी, थायरॉइड कार्टिलेज हो जाती है। फिर हम इसकी बात करते हैं, इसके वेसल्स और नर्व कौन कौन सी होती हैं। तो ट्रेकिया के अंदर किससे सप्लाई होती है, थायरॉइड, मतलब थायरॉइड ग्लैंड इसके पास में ही होती है ना, तो उसी से रिलेटेड रख लो, इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। और ये वेन कौन सी हो जाएगी, इसके अंदर लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर अपना पूरा भी डिओक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करता है। लिम्फेटिक लिम्फ नोड में याद रखो, तो प्री ट्रेकियल एंड पैरा ट्रेकियल नोड्स होती हैं। फिर नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई क्या हो जाती है, यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो पैरासिम्पेथेटिक में क्या हो जाएगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी मेम्ब्रेन, वहाँ पे तो कौन सी हो जाएगी, सेंसरी एंड सिक्रेटो मोटर टाइप का होता है, और ओनली मोटर को किस में हो जाएगा, ट्रेकियल मसल्स में। और सिंपेथेटिक नर्व में कैसा होता है, वैसो मोटर टाइप का हो जाएगा। अब हम इसकी क्या करते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी करते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होता है कि ट्रेकिया क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो सकता है। कब कंप्रेस्ड हो सकता है, जब क्या होता है, पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट हो जाए, जैसे कि थायरॉइड, थाइमस, लिम्फ नोड, एरोटिक आर्च, ये सभी क्या हो जाती है, क्योंकि इसके आसपास ही होती हैं ट्रेकिया के, अगर इनमें एनलार्जमेंट हो जाएगा तो ब्लॉकेज किस में हो जाएगी, फिर ट्रेकिया में। और अगर ट्रेकिया के अंदर ब्लॉकेज होगी तो फिर एयर नहीं हो जाए,
एयर लंग्स के अंदर नहीं जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन होता है, डिस्पिनोया हो जाएगा, कफ होने लग जाता है, वॉइस के अंदर भी चेंज हो जाएगा। एक होता है ट्रेकियोस्टोमी, इसके अंदर क्या होता है कि जब क्या होता है नोज और लैरिंग्स के अंदर क्या होता है कुछ मतलब ब्लॉकेज हो जाती है ना, उस टाइम क्या होता है कि सर्जिकल हमने सर्जिकल के थ्रू क्या होता है एयर उसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है ताकि एयर क्या हो जाए पास हो जाए, इजीली पास हो सके। तो ये सभी क्या होता है ट्रेकिया के बारे में। तो गाइस वीडियो आपको कैसे लगी ये मेरे को कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।